नमस्कार, मैं तनु जांगिड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सहारनपुर से दिल्ली जा रही ट्रेन में लगी आग, इंजन सहित दो डब्बे जले। सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में मेरठ के दोराला स्टेशन पर आज सुबह अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि ट्रेन के ब्रेक जाम होने के कारण ये हादसा हुआ। आग लगने से ट्रेन के इंजन सहित दो डब्बे जल गए। हालांकि इससे पहले ट्रेन में सवार यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। ट्रेन में पीछे के डब्बों में सवार यात्रियों ने अन्य यात्रियों की मदद की। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर सभी यात्री सहम गए और आग पीछे के डब्बों में भी फैलने लगी। इसी बीच रेलवे प्रशासन ने दमकल विभाग को सूचना दी और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग बुझाई। बाद में कुछ यात्रियों की मदद से ट्रेन के अन्य डिब्बों को अलग किया गया। 10 मार्च से पहले ही बदले नौकरशाही के रंग। लोहिया पार्क और आगरा एक्सप्रेस पे भी होने लगा ठीक। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले ही नौकरशाही में हलचल मच गई है। पूरी नौकरशाही को अंदाजा हो गया है कि सरकार जा रही है। शायद इसी वजह से अयोध्या के डीएम आवास के बोर्ड का रंग बार बार बदला गया। अयोध्या से चली बयार से लखनऊ अछूता कैसे रहता। लखनऊ में भी सपा सरकार के समय बनाए गए लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्र पार्क अचानक साफ होने लगे हैं और लाइट ठीक कराई जा रही है। साउंड सिस्टम रिपेयर किया जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाज उतरने के लिए बनाई गई पट्टी को साफ करने और पेंट करने का काम जारी है। यह भी कहा जा रहा है कि कई नौकरशाह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने की कोशिशें कर रही हैं। ऐसे में कई तरह की चर्चाएं आम हैं, जबकि चुनाव परिणाम तो 10 मार्च को आएगा। रूस ने कई शहरों में किया सीज फायर का ऐलान। लोगों को बाहर निकालने के लिए खुलेगा कॉरिडोर। यूक्रेन पर हमले के 10वें दिन रूस ने विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कुछ शहरों में सीज फायर करने का ऐलान किया है। इनमें मारियूपोल और वोल्नोवाखा शहर शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब तक यहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल नहीं लिया जाता, तब तक हमले नहीं किए जाएंगे। इससे पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से रूस को रोकने में मदद की अपील करते हुए कहा कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस का एक रॉकेट कीव में राष्ट्रपति भवन के बाहर गिरा है। नाटो पर भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा जो लोग मरेंगे उसके लिए नाटो होगा जिम्मेदार। अमेरिका और नाटो के आश्वासन के भरोसे सुपर पावर रूस से युद्ध कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बड़ा झटका लगा है। जेलेंस्की की मांग को दरकिनार करते हुए नाटो ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन से इनकार कर दिया है। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि नाटो ने नो फ्लाई जोन बनाने की मांग को खारिज करके यूक्रेन के शहरों और गांव में और ज्यादा हमले करने को हरी झंडी दे दी है। वीडियो संदेश के जरिए जेलेंस्की ने नाटो से कहा कि आज से जो लोग मरेंगे वह आपके कारण, आपकी कमजोरी से, आपके अलगाव की वजह से मारे जाएंगे। यूक्रेन के सुमी में फंसे 800 भारतीय छात्र, रूस और यूक्रेन में आरोप प्रत्यारोप। यूक्रेन के उत्तर पूर्व स्थित शहर सुमी में करीब 800 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उनके पास ना खाना बचा है और ना ही पीने के लिए पानी है। इस मामले में रूस का कहना है कि इन छात्रों को यूक्रेन ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यूक्रेन कह रहा है कि रूस हमले नहीं रोक रहा जिससे छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये छात्र सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर गुहार लगा रहे हैं कि उनके पास खाना और पानी खत्म हो रहा है, चारों तरफ गोलीबारी हो रही है, हम मारे जाएंगे, मोदी जी प्लीज मदद कीजिए। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि 10 मार्च तक यूक्रेन में फंसे अधिकांश भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने किया बड़ा मिसाइल परीक्षण, दहशत में पड़ोसी देश। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से अलग उत्तर कोरिया ने एक बड़ा मिसाइल परीक्षण कर पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया को डरा दिया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने इस साल परमाणु हथियारों से लैस नोवा संदिग्ध शस्त्र परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने पूर्व की ओर एक मिसाइल दागी है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने जनवरी में 7 हथियारों का परीक्षण किया था। इसमें 2017 के बाद से सबसे शक्तिशाली मिसाइल शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया ने सैन्य बहाली को दोगुना कर दिया है। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट, पर मौतों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर खत्म होने की कगार पर है और दैनिक मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक दिन में कोरोना के 5,921 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मौतों के मामले में इजाफा हुआ है। एक दिन में 289 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि इससे पहले 201 लोगों की मौत हुई थी। इसी के साथ कुल मौतों का आंकड़ा 5,14,878 पर पहुंच गया है। हालांकि एक दिन में 11,651 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट 0.63% पर आ गया है। दूसरी ओर एक्टिव मामले केवल 63,878 रह गए हैं।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।